अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक और पबजी का सेव प्लस फर्स्ट प्लस थर्ड पार्टी के एडवांटेजेस वाला गेम प्ले। तो भैया सिंपल एज ये है कि थर्ड पार्टी की जो एडवांटेज होंगी इसको भी हम आप सबको बताएंगे और आप लोग भी थर्ड पार्टी में खुश जाया करो, क्योंकि थर्ड पार्टी का फ़ायदा है जब दो पार्टी लड़ रही ना तो जारी बात है डैमेज एक मरेगी दूसरा डैमेज होगी, डैमेज वाले को बंदे को मारना आसान होता है बनस्बत है एक जो फुल एच पी वाला बंदा है। और अक्सर ये होता है कि जो चार चार की फाइट होती है तो एक मर जाएगा फिर तीन रहेगा, तो ये एडवांटेज होता है। तो हम लोग जा रहे थे पहले तो सामने वाली बिल्डिंग में, जब हमने बोला नहीं वहाँ बंदे हैं तो मुड़ गए और हम चले गए दूसरी वाली बिल्डिंग में, जहाँ उतरे और हमको सीधी मिली UMP और हम घुस गए बंदों को मारने। और सामने ही एक बंदा ऐसे मुंह दिखा रहा था अपना जैसे पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, उसके बाद हम एक बॉट और एक बंदे को मारने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं लूट वूट करने के लिए। और जैसे ही हम यहाँ से जा रहे होते हैं तो आवाज़ आती है कि दो बॉट की फाइट हो रही है, तालियां। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, नेट निकाल के नेट की जादू दिखाने के लिए एक मिनट कहता हूँ, एक टीममेट उसका जो नॉक होता है मर जाता है और जो जिंदा होता है वो नॉक हो जाता है। तो अब बच्चे तो एक बंदा वो बहुत प्रो लेवल का गेम पड़ता है। हमने एडिटिव जैसे ही बंदा मारा तो ये वही बंदा था जिसको मार दिया, और इसके पीछे एक बॉट आएगा और फिर हम उस बॉट को मार के अपना KD बढ़ाएंगे जो कि हो जाएगा हमारे 6 किल्स इन वीडियो की बचे और कुछ। अब 10 बंदे बचे हैं और मेरे 6 किल्स हैं, तो एक बंदा सामने से एक और से बैठ ले रहा होता है तो थर्ड पार्टी यकीन करो ये सारे किल्स सब थर्ड पार्टी की वजह से हुए, वरना सीधा अगर मैं जाता तो बहुत मुश्किल ही होता है। बिल्कुल एंड में जब मतलब बिल्कुल एंड में ये होगा कि सामने तीन बंदे बैठे हैं एक मैं हूँ ऐसे, लेकिन एक बंदा इनका फ्लैंक करके लेफ्ट साइड से आ जाएगा और वो समझेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। पर सर ऐसे नहीं हो सकता, हम कैसे नहीं पता चलेगा आप हमारे सामने से आ रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। AKM का आयरन साइड और ये प्रॉपर मतलब इस स्क्वाड की ना प्रॉपर किल फील्ड आ रही थी, वाकई इनका कोई गेम प्ले था। अगर पीक दे रहे हैं तो स्ट्रेट दे रहे हैं या तो मुझे लग रहा है दीवार पे लग रहा है ऐसा मतलब खेलने वाले थे। जोन मेरे पे नहीं था, जोन में जाना था, अगर जोन मेरे पे होता ना तो फिर तो बात होती कि मैं मार दूंगा। जोन में जाना था तो मैंने एक को डैमेज देके फौरन से भग लिए जोन में, हमारे साथ जा रहा था मतलब स्किल सिक्योर करा जाए, ये सबको पता है कि होना है क्या। नेट कैंसिल किया, एक गेम चाहिए चलो सोचिए तो बंदे मॉली बड़ी ड्रग के सामने लगी पर सर्फिंग का इशू हमेशा से रहा है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इस वीडियो को पूरी देख रहा ये मैं सब आखिर में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं नहाने जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।